हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, इस समय बजे हैं 7 o'clock। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज है 18 जुलाई, आज है संडे और आज करेंगे हम लोग फन। अभी लखनऊ का मौसम का कुछ अता पता चल नहीं रहा है, क्योंकि कल भी वैसे था और आज भी वैसे है। जितना बादल कल भी थे और उतना बादल आज भी हैं, और ना बारिश हो रही है। चलिए बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। हाँ, एक और बात, मैंने ब्लॉग 3 को अपलोड कर दिया है और आप इस देख सकते हैं कि मैंने अपलोड कर दिया है। और जाइए इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। ये जो मौसम हुआ है आप देख रहे हैं, कल दोपहर से ऐसे ही हुआ है और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7:30। अभी तक भी ऐसा ही मौसम है, अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं आया है और बारिश भी नहीं हो रही है। या मुझे तो मौसम पसंद बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। फिर चलिए नीचे चलते हैं, पर नीचे जाकर क्या करेंगे यार। सुबह बज चुका तो मैं उठ चुका हूँ और दोनों भैया लोग सो रहे हैं। वो संडे को ऐसे सोते हैं जैसे कुंभकर्ण का नींद ले रहे हो वो लोग। वो नींद की कौन सी दवा है वो मैं भी लेना चाहता हूँ। मैं भी 8-9 घंटे सोना चाहता हूँ पर हो नहीं पाता। रात को मैंने करीब 3 बजे करीब सोया था और सुबह 7:30 बजे उठ गया। चाह कर भी मैं नहीं सो पाता हूँ। अभी आप लोगों को भैया लोग से मिलाना बाकी है। आप इस ब्लॉग में आगे बने रहिए, अभी कुछ देर के बाद जब उठेंगे तो आप लोगों से मिलवाऊँगा मैं। अगर कोई दोस्त मेरा मोटा होना चाहता है तो मैं उसके लिए एक दवा लाया हूँ, ये देखिए। अगर मेरा दोस्त कोई मोटा नहीं हो रहा है तो एक बार इनसे आप छेड़खानी करके देख लीजिए। आई थिंक आधे घंटे में आप लोग मोटे हो जाएंगे और इसका असर 1-2 दिन तक जरूर रहेगा। ओ भाई साहब, इस बिल्डिंग में इतने ज़्यादा इस पीले मधुमक्खियों ने छाता लगाया है, मतलब अपना घर बसाया है, ये देखिए। भाई को देखकर मेरी रूह कांप जाती है। बचपन में था तो लोग परेशान किया करता था, तो ये कई बार हमको अपना डोर दे चुकी हैं, जिससे मैं 4-5 दिन तक जरूर मोटा था। उसका टाइम हो चुका है, हम लोग जाते हैं ब्रेड लाने और उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद से मिलते हैं। ये हमारी चाय रेडी हो रही है। हम तो जानते हो और सोचे मतलब मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो हमको पूछता सर हमने मुझे हायर क्यों किया, क्या देख के सोचा था कि वो क्यों हायर करते हैं। मैं कुछ दिखा था लर्निंग कैपेसिटी या फिर क्या, मतलब मुझे जानना है क्या दिखा था। सर ब्रेड लगाने का तरीका ये नहीं होता, तो गर्म करके उसके बाद से ब्रेड लगाया होता है, तो सॉरी बटर लगाया होता है। बताइए ब्लॉक के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। इधर चाय की ब्लॉक डिकआउट करते समय इधर ये जल गया, अब क्या करें भैया, ये मजबूरी है। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। भैया सोकर अभी उठे हैं और ये देखिए कुंभकर्ण की नींद लेकर आ रहा है, थोड़ा इधर देख लीजिए भैया। रात को ये 11 बजे सोए हैं, अभी कितना बज रहा है भाई, अभी 10 बज रहा है। भैया ये पूरे लगभग 11 घंटे का नींद लिए हैं। 11 घंटे सोए हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो जिंदा तो इंसान भी है। देखिए ये सुबह उठकर और रात का इस एपिसोड निपटाए हैं और इस समय 2nd सीजन का एपिसोड देख रहे हैं। देखो बहुत अच्छी वेब सीरीज है सनारा। कौन सी है सनारा? अच्छा सुनने हो ना, तो पहला वेब सीरीज देखिए, मैं गारंटीड लिख दे सकता हूं कि कितने इंटरेस्टेड जाओ को मुझे दूसरा सीजन देखना। अच्छा आप तो भैया देख ही लिए हैं। शुभम भैया कैसा लगा था? हाँ कैसा लगा था, ठीक चलिए सही है। अब ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए। भैया को देखिए
अभी सो कर आए हैं करीब 10 बजे, अभी बज रहा है 11:50। नाश्ता कर लिए फिर सोएंगे और देखिए अब कब तक उठते हैं, फिर से हमको लगता है 5 बजे शाम तक सोएंगे। भाई जिंदगी हो तो यही जी रहे हैं। सबसे पहले तो उनका चरिता की फैन है, मतलब विकास के इन्हीं के ब्लॉगर के जिनका नाम है देवेंद्र। हां वो तो जरूर पीछे हैं आप लोग। अभी शाम को बजे हैं 6 और इस समय सबसे जबरदस्त मौसम हुआ है। हेलो गाइज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ट्रैक्टर वाली JCB। ये देखिए प्रेशर का यूज़ किया गया है। हेलो गाइज, कोई इस वीडियो को इंजीनियरिंग स्टूडेंट देख रहा है तो बताइए कौन सा प्रेशर का यूज़ किया गया है। वो ट्रैक्टर मिट्टी गिलाकर चला गया। अब ये ट्रैक्टर JCB वाली है जो मिट्टी को अब ऊपर चढ़ाएगी। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बना है। इस ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी मेरी वीडियो आती रहे उसकी सारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।